के कई शहरों में इन दिनों हवा सांस लेने लायक भी नहीं है। बिहार की राजधानी पटना ने तो दिल्ली और सूरत को भी पीछे छोड़ दिया है। गुरुवार की सुबह 6 बज के एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने पर पता चला कि बिहार के 38 जिलों में से 21 जिले जहरीली हवा का प्रकोप झेल रहे हैं। बेतिया और पूर्णिया ज्यादा खतरनाक जोन में है। इन दोनों जिलों का प्रदूषण 421 AQI रिकॉर्ड गया है, जिसके अलावा दरभंगा में 399, मोतिहारी में 395, बेगूसराय में 387, सिवान में 386, कटिहार में 371, बक्सर में 364, सहरसा में 342, छपरा में 311 और समस्तीपुर में 302 AQI रिकॉर्ड किया गया, जो बहुत खराब स्थिति वाले जोन में है। 200 से 300 के बीच AQI को भी खराब स्थिति में माना गया है। इसमें बिहार के 10 शहर हैं। अररिया में 299 और मुजफ्फरपुर में 294 AQI रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पटना का प्रदूषण 284 AQI रहा। ये पूरे बिहार के प्रदूषित 21 जिलों में 14वें स्थान पर है। इसके नीचे 7 अन्य जिले हैं। ट्रेन बनना था, ये ट्रेन बनने के चलते ऐसा भराया जा रहा था, और तो इसलिए अभी तक टेम्पो स्टैंड बनने के लिए कुछ नहीं हो रहा, खाली कूड़ा फेंका रहा, आग लग रहा। इससे क्या परेशानी हो रही है? परेशानी एक धुआं धक्कड़ हो रहा है, दिक्कत होता है सांस लेने में, बहुत परेशानी है। इससे मुंह में हिलता है, गंदगी नहीं बुझाता है, और क्या। अरे ये कौन करता है ये कचरा का, यहाँ कौन है? पता नहीं सर कौन करता है, तो देखा नहीं है। कचरा कौन डंप करता है? कचरा नगर निगम वाला ना देता रखता है। नगर निगम और ये धुआं कौन लगाता है? वही लोग करके चले जाते हैं। पता नहीं हमको, झूठ का है बोले कि कौन लगाता है, लगा हुआ देखते हैं। बहुत दिक्कत होता है इस धुआं से, रात के समय इतना धुआं होता है कि कुहा जैसा लगता है हम सबको अभी टाइम। अब बहुत दिक्कत, मतलब सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है। ये 4 दिन से अब बहुत दिक्कत कर रहा है। कचरा डंप करके आग लगा दिया। ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम का वजह से प्रदूषण तो होता ही है। इतना हाईवे बनने पर भी रोड क्लियर नहीं रहने के कारण प्रदूषण है, और क्या। वैसे तो देखिएगा तो सबसे ज़्यादा हर जगह ही प्रदूषण है, जैसे बिहार से भी बहुत प्रदूषण है, पटना में भी प्रदूषण है, बाकी जहाँ सिंगल रोड है वहाँ पर ज़्यादा है, और जहाँ पर डबल रोड है मतलब वन साइड टू साइड गाड़ी है तो वहाँ प्रदूषण कम है। तो बिहार में आबादी भी ज़्यादा है, लोग पढ़े लिखे भी कम हैं, CNG का उपयोग कम होता है, और प्रदूषण तो ज़्यादा होना ही है, गाड़ी भी कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इसीलिए है प्रदूषण। और जो मेट्रो का काम हो रहा है और रोड भी जो नया नया बन रहा है उसी को लेकर के, जो रोड पर जितना धूल है उसके कारण भी पॉल्यूशन हो रहा है। पटना की छोड़ में तो पटना से जाए तो बिहार के अन्य जिलों में है, मोतिहारी, पूर्णिया, बेतिया, सिवान, इन जगहों में भी बहुत ज़्यादा है। तो कारण वही है कि बिहार में शिक्षा का अभाव है, लोग शिक्षित कम है, जहाँ क्या प्रदूषण किस तरह से उसका रोकथाम हो उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। गैस चूल्हा जल रहा है तो जल रहा है, कोयला जल रहा है तो जल रहा है, वेस्टेज मतलब हो रहा है, तो उससे भी पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, तो इसी कारण भी हो सकता है कि हो। क्या सुझाव क्या देना चाहेंगे? सुझाव यही देना चाहेंगे कि जब तक शिक्षा का स्तर बढ़ेगा नहीं, तब तक कितना भी सुझाव दे दीजिए, जब तक लोग अपने खुद शिक्षित नहीं होंगे, अपने खुद समझदार नहीं बनेंगे, तब तक कोई उपाय नहीं है। कारण यही है कि रात भर यहाँ पे जो है ना ये धुआं जला के छोड़ देता है, ये प्रशासन बगल में ध्यान नहीं देता है, पुलिस की गाड़ी अप डाउन होते रहती है, पता नहीं चलता है, बच्चा लोग को परेशानी होता है, घर में बुजुर्ग को परेशानी होती है, रात में टहलने निकलते उसमें सफोकेशन होता है, प्रशासन जान के भी नहीं इस पे ध्यान देता है। समस्या है पूरे, मतलब कि ये शहर का कूड़ा ला के यहाँ पे रख देता है, रख के उसमें रात में आग लगा देता है, रात भर जलते रहता है, घर के अंदर तक खिड़की बंद रखे फिर भी आपको अंदर धुआं जाएगा, इतना सफोकेशन होता है लोगों को, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। परेशानी बहुत ज़्यादा है, इतनी परेशानी है कि हम क्या बोलें, हम तो पास में रहते हैं लेकिन ये कितना गलत है, ये आप बताइए कितना गलत है, इसको देखने वाला कोई नहीं है, सारा चीज़ प्रशासन के ये से होता है। लोग जहां प्रदूषण को लेकर अपनी व्यथा सुना रहे हैं और सरकार की खामियां बता रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां भी बिहार में चल रही जहरीली हवा को लेकर सरकार को घेरती दिखाई दे रही हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार संवेदनहीन हो गई है,
सरकार को व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि प्रदूषण पर लगाम लगाया जा सके, लेकिन बिहार सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। लोग अगर मरते हैं तो मरते रहें, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहीं न कहीं सरकार की संवेदनहीनता प्रदर्शित होता है, जो लोगों के बीच में जन जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए, और जिसका फैक्टर है जो पोल्यूशन बढ़ाने वाला, उस फैक्टर पर इनको काम करनी चाहिए। किसानों के बीच में जो परली जलाने वाला मामला है, बिहार में ये बीमारी नहीं थी, आज बिहार में भी 3-4 साल से बहुत तेज़ी से फैला है। और इस तरह से सरकार के द्वारा पॉल्यूशन के नाम पर कई बैठकें होती है, दिल्ली से पार कर गया है तो निश्चित, हाँ, यहाँ की गैर जिम्मेदारी लापरवाही का ये परिणाम है। सरकार की सजगता और जागरूकता दोनों में कमी है। ये देखा जा रहा है कि बेतिया और मोतिहारी जो पूर्वी चंपारण है, उसके अलावा पूर्णिया है, इन तीन जगहों पर लगातार एक सप्ताह से बढ़ता जा रहा है, तो क्या देखिए, इसकी पूरी सर्वे करके, जांच कर करके, इसको सुधार के लिए, इसको कम करने के लिए एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उसके प्रति इनकी सजगता और रुचि नहीं रहने के कारण ये स्थिति है।